नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। HW24 न्यूज मध्य प्रदेश पर सभी दर्शकों का स्वागत है। नेताजी हाजिर हो के स्पेशल एडिशन खरगोन मेडिकल कॉलेज पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि हैं उन सबसे पहले हम उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं श्रीमती रेणु राय, जो कि लंबे अरसे से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देती आ रही हैं। वर्तमान में वे 1999 से आज तक महर्षि विद्या मंदिर खरगोन में प्राचार्य के पद पर हैं और उनके रहते हुए महर्षि स्कूल में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं जो खरगोन शहर के लिए एक सौगात भी रही। मेरे साथ आज उपस्थित हैं श्रीमती शुभा खोड़े, जो मीमोस एक महिलाओं का संगठन है खरगोन में, उसके अध्यक्ष हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में एक लंबा योगदान दिया है। हालांकि वो युवा हैं लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से वो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं और महिलाओं को लेकर के कई शहर में कई ऐसी कार्यक्रम उन्होंने चलाए हैं जिससे कि उनको महिलाओं को प्रेरणा मिले, महिला जगत आगे बढ़े और ये क्षेत्रीय स्थिति जो है उसमें महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे आज के दोनों अतिथि जो हैं अपने अपने क्षेत्र के साथ ही महिलाओं को प्रेरित करने, उनको योगदान देने में उनका काफ़ी अहम एक हिस्सा रहा है। आज हम इन्हीं कुछ विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं दोनों अतिथियों का स्वागत करता हूं। रेणु जी आपका भी स्वागत है, शुभा जी आपका भी स्वागत है। रेणु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना की दूसरी लहर जा चुकी है, तीसरी लहर का रास्ता देखा जा रहा था, लेकिन कुछ वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ी, कुछ लोगों में जागृति आई और तीसरी लहर उस तरह से हमारे यहाँ प्रभावी नहीं हो सकी। लेकिन हाल ही में बताया जा रहा है कि एक नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का, डेल्टा वेरिएंट, जो कई देशों में जिसके इफेक्ट्स देखे भी गए हैं, तो इस स्थिति में और क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इस चैनल में बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी जो कोरोना का जो थर्ड वेरिएंट आया है डेल्टा, उसमें बच्चों के लिए कह रहे हैं कि ये ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा बच्चों को, 18 इयर्स एंड बिलो बच्चों को। तो उसके लिए हमारी सरकार और हमारे जो प्रशासन है खरगोन शहर के, जो हमारे खरगोन ज़िले के यहाँ हॉस्पिटल्स में और जो बाकी जो है बच्चों के लिए काफ़ी, जिससे उन बच्चों को बचाया जा सके इस वेरिएंट से, उसके लिए काफ़ी मतलब इंतज़ाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसमें लगा हुआ है, बच्चों के लिए आईसीयूज़ जो स्पेशल उसमें इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो लगाकर, और जो बच्चों के वैक्सीन के लिए भी ये बात हो रही है। अभी तो हमारे यहाँ 18 ईयर्स एंड अबव के लोगों को वैक्सीन लग रही है, पर 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी इस पर टेस्टिंग चल रही है हमारे भारत में कि इन बच्चों को अगर वैक्सीन लग जाती है तो ये थर्ड वेरिएंट से हम लोग बच जाएंगे। और अभी इतना जागरूक कर रहे हैं हम लोगों को, पेरेंट्स को भी, और हमारे स्कूल के थ्रू हम पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं कि बच्चों को जो है ये इस थर्ड वेरिएंट से कैसे बचाया जा सके। शासन भी इसके लिए जागरूक कर रहा है और शासन के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों के लिए, बहुत सारे उनके लिए स्पेशल, हमारे खरगोन जिला अस्पताल में उनके लिए स्पेशल एम्बुलेंस में सारी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बच्चों को इस बीमारी से बचा सके, ये सब तैयारियाँ हो रही हैं। और अभी तक देखा गया है कि काफ़ी कम, एक दो जगह ही ये थर्ड वेरिएंट बच्चों के ऊपर असर कर रही है। रेणु जी, मैं अभी स्कूलें खुल रही इस पर भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं शुभा जी आपसे जानना चाहूंगा कि एक संक्षिप्त रूप से कि मीमोस क्या है और इस कोरोना काल में मीमोस के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए जो कि या आम शहरियों के लिए, महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद रहे या उनको सहयोग मिला उससे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपके चैनल का और आपका, कि आपने खरगोन मॉमीज ग्रुप को यहाँ इन्वाइट किया। कोरोना काल में खरगोन मॉमीज ग्रुप ने काफ़ी कार्य करे हैं, क्योंकि हम पूरे खरगोन की महिलाओं को एक स्टेज पे लाना चाह रहे हैं। हमारा जो खरगोन मॉमीज ग्रुप है ये किसी भी राजनीति पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय को नहीं अलग करता है। हम लोग पूरी महिलाओं को एक स्टेज पे लाना चाहते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य अभी ये है
कि खरगोन मॉमीज जो है इस कोरोना काल में क्या मदद कर सकता है, तो इसके लिए हमने खाना भी बांटा है, हमने मास्क भी बांटे हैं। जो हमारे घर में काम करने वाली हैं, जितनी भी मेड्स हैं, उनको हमने ये समझाया कि वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है। ऐसे कई सारे काम अभी हमने कोरोना काल में करे हैं। और खरगोन मॉमीज ग्रुप इसके अलावा और भी अन्य सामाजिक कार्य करता आया है। काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट के काम भी हम लोग करते हैं, ना कि मतलब हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप नहीं है कि सिर्फ सामाजिक कार्य हो रहा है, साथ में महिलाओं को एंटरटेन भी किया जा रहा है। जैसे रंगोली कंपटीशन दिवाली पे रहा, उसमें ऐसे लोग सामने आए, ऐसी प्रतिभाएं सामने आई जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस लेडी में इतनी प्रतिभा छुपी हुई है। तो बेसिकली खरगोन मॉमीज जो है वो उनकी प्रतिभाओं को उभारने का काम भी कर रहा है, प्लस सामाजिक प्रशासन के साथ मिलके भी काम कर रहा है। और अभी हम करीबन 700 महिलाएं जुड़ चुकी हैं साथ में। शुभा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हाउसकीपर लेवल पे जो जो भी महिलाएं हैं या जो घरों में काम कर रही महिलाएं हैं, उन लोगों को आपने वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया और उनको लगवाया। ये सही है, क्योंकि जो निचले दर्जे पे जो भी अभी हमारे यहाँ जनसंख्या है, वो उसमें अशिक्षा की भी देखी जा रही है और काफ़ी सारे वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम भी है। तो ये सामाजिक संगठनों के द्वारा दूर किया जाएगा, तभी ये हम वैक्सीनेशन को सफल भी बना सकते हैं देश भर में और अपने निमाड़ क्षेत्र में भी। रेणु जी, एक बार फिर से कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी संख्याएं कम हुई है, जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर्स हैं, उनमें उत्साह बढ़ा है, जो भी शैक्षणिक संस्थान है वो एक बार फिर से ये आस जगा कर बैठे हैं और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया एडमिशन्स को लेकर के, फिर से एडमिशन शुरू हो रहे हैं। इसमें कौन कौन सी ऐसी सतर्कताएं हैं जो शिक्षा संस्थानों को ज़रूरी है, वो चाहे कोचिंग सेंटर्स हों, चाहे स्कूल्स हों, कॉलेज हों, और उसके साथ ही ये जानना चाहूँगा कि ये एक लंबा अरसा रहा, पिछले हम देखें तो मार्च से स्कूलें एक तरह से पूरी तरह बंद हो गई और कई टीचर्स थे वो बेरोजगार हो गए, संस्थाओं की आर्थिक स्थितियां खराब हो गई, जो बच्चे हैं उनको जनरल प्रमोशंस देना पड़ रहे हैं। तो क्या एक बड़ा इफेक्ट पड़ा और हम कैसे अब इन इफेक्ट से बच सकते हैं, कोई आपकी तरफ से क्या राय होगी इसके लिए? देखिए, इसमें लास्ट मंथ मार्च से, मार्च 2020 से हमारी कक्षाएं सभी बंद हैं, स्कूल बंद हैं, क्योंकि ये कोरोना महामारी के चलते। पर हमने जैसे दिसंबर में, नवंबर दिसंबर से हमने दोबारा क्लासेस लगाई थी, जो भी बड़े बच्चों की लगाई थी 9 से 12 तक, जो कि मार्च आते आते फिर से उनको हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि सेकेंड वेव जो है कोरोना का शुरू हो गया था। और अभी हमारा जो डेथ रेट और ये पॉजिटिव रेट जो है काफ़ी कम हो गए हैं कोरोना से, तो अब हम सरकार से भी और हमारे जो CBSE संचालक हैं उन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से स्कूल्स को खोला जाए, जिससे कि जो नुकसान पिछले साल से बच्चों को हो रहा है। हमने ऑनलाइन क्लासेस भी अभी शुरू कर दी हैं और एडमिशन्स भी अभी इस सेशन के लिए हमने शुरू किया है। पर अभी ऑनलाइन क्लासेस में हमें ये देखने को आ रहा है खरगोन में, ये क्योंकि एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, कई पेरेंट्स मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाए। तो लास्ट ईयर और अभी में हम देख रहे हैं कि बच्चों को जो है हम लोग ऑनलाइन भी ठीक से नहीं पढ़ा पाए। पेरेंट्स का कुछ कहना था कि ऑनलाइन में समझ नहीं आता है, क्योंकि ये नई चीज़ है हमारे लिए अभी। पर इस साल जो हमने जब शुरू किया है, तो हमने पेरेंट्स से परमिशन भी लिया कि आप अब आपको क्या कहना है इस मामले में, तो उन्होंने कहा अब तो लग रहा है यही अब हमें ऐसे ही शिक्षा देने के लिए बच्चों को उत्साहित करना पड़ेगा, इसलिए हम मैडम अब मोबाइल ला देते हैं बच्चों को, और बच्चे अब मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज पिछले साल से अभी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। पर मेरा सरकार से और हमारे CBSE जो हेड ऑफिस है उनसे निवेदन रहेगा कि बच्चों को फिजिकली क्लास लगाएं स्कूल में, बड़े बच्चों को स्पेशली पहले 9 से 12 खोला जाए, फिर 6 to 8 खोला जाए और फिर प्राइमरी, ताकि स्टेज वाइज हम लोग इन बच्चों को स्कूल में भी संभाल सकें। हमारे सारे टीचर्स वैक्सीनेट हों पहले, और बच्चों को जो 18 ईयर्स एंड अबव, जो 12th क्लास में जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो 18 से ऊपर हो चुके हैं, उन्होंने भी उनको भी टीका लगवाया जाए पहले, और ये प्राथमिकता हमें स्कूल में दी जाए कि सभी बच्चों को वैक्सीनेशन होने के बाद फुल स्कूल को खोल दिया जाए, जिससे कि क्या है बच्चों का शिक्षा के
लिए जो इतना बच्चे पिछड़ गए हमारे एक साल में, वो हम उसको भरपाई कर पाए उसकी। और इसके लिए स्कूल्स में हमने अरेंजमेंट हमारा बहुत अच्छा है। हम लोग जो बच्चे जब आते हैं तो उनको फुल सैनिटाइज करवाते हैं, रूम सारे सैनिटाइज होते हैं, डेली उनके रूम्स को सैनिटाइज करा के डेस्क बेंचेस सब होता है। उसके अलावा उनको सैनिटाइजर उनके हैंड्स पे दिया जाता है। जब बच्चे दूर दूर डिस्टेंस ले 2 मीटर की दूरी पर, उनको क्लास में भी हम लोगों ने बैठाया और आगे भी बैठाएंगे, ऐसा सब अरेंजमेंट करके उनको स्कूल ज़रूर बुलाया जाए, जिससे कि उनका भविष्य और अधिक ना बिगड़ के सुधर जाए। रेणु जी, आपने सही कहा कि जो शिक्षा है इसको बिना किसी अवरोध के निरंतर जारी रखना पड़ेगा, ताकि बच्चों का भविष्य बन सके, उनका जो नुकसान वगैरह हो रहा है वो नहीं हो। लेकिन आपने बात करी ऑनलाइन की, तो हम संचार क्रांति की लंबे अरसे से देश में बात करते रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि टावर नहीं मिलते, मोबाइल काम नहीं करते, जो भी लैपटॉप वगैरह हैं ये किसी काम के नहीं है। इस स्थिति में उस क्षेत्र में रहने वाला जो बच्चा है वो काफ़ी अपने आप को पिछड़ा महसूस करता है। तो हम ये ऐसे क्यों ना प्रयास इसमें आपके हिसाब से होना चाहिए कि संस्थाएं चलती रहें, बीमारी है उसकी रोकथाम होती रहे। मैं वो प्रयास आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या हो। अब और CBSE लेवल पे देखिए, आपके अभी बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया, अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे कुछ पिछड़े हैं पढ़ाई में वो भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब कॉलेजेस के सामने समस्या ये हो गई कि आखिर वो किस आधार पर उनको एडमिशन दें। क्या आपके सामने भी ऐसी कोई समस्या है या बच्चे ऐसी बात रख रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए अभी जैसे 10th क्लास का CBSE ने बोला कि एग्जाम दोनों 10th एंड 12th दोनों पोस्टपोन कर दिए गए, खत्म कैंसिल ही किया गया एग्जाम। मैम विशेष करके ये 12th वालों के सामने समस्या आ रही है कि वो अच्छे कॉलेजेस उनको कैसे मिले। उनके लिए अभी समस्या इसके लिए हमें कैसे रिजल्ट बनाना है, अभी ये कमेटी बैठाई गई है मंत्रालय से, हमारे शिक्षा मंत्रालय से, और अभी उन्होंने डिसाइड करके बताना है हमें सभी को कि हम किस बेस पर रिजल्ट बनाएं। और अगर ये कितना भी हम अच्छा रिजल्ट उनका अगर वो रहता है क्राइटेरिया, फिर भी बच्चे जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो बहुत सफ़र करेंगे, मेरा ये कहना है। क्योंकि जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं 99-100% वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अगर इनकी कितनी भी स्कीम रही हो, क्योंकि स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम अगर हम लेंगे तो स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम में और जो हाफ ईयरली क्वार्टरली ये सब रहते हैं, इसमें बच्चों के नंबर कोई बच्चा सीरियसली नहीं देता है। बोर्ड वाली क्लास के बच्चे ये एग्ज़ाम सीरियसली नहीं देते हैं, प्री बोर्ड हो या हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो, क्योंकि उनको लगता है हमें तो बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो उस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती, सीरियसली एग्ज़ाम नहीं देने से उनके मार्क्स तो बहुत कम हैं, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे भी हैं। तो इससे ये देखते हुए हमें जो है क्राइटेरिया को थोड़ा सा गवर्नमेंट को या शिक्षा मंत्रालय को इसमें जो है थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी उनकी जो है वो थोड़ी सी हमें लचीला बनाना पड़ेगा, जिससे कि सभी बच्चों का इसमें फ़ायदा हो और नुकसान ज़्यादा बच्चों का ना हो। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो 100% स्कोरर है, उनके लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत जो आएगी वो ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए ये नीति बननी चाहिए। सही है, सेंट्रल जो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके सामने अब ये एक सबसे बड़ी समस्या होगी कि वे उन टैलेंटेड बच्चों के रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करें, ताकि उनका जो हक है, जो उनको मिलने वाले अंक थे या जो उनकी जो योग्यताएं उन्होंने अपने आप में धारण कर रखी थी और वो किसी कारण कोरोना कारण वो प्रदर्शित न कर पाए, उनको वही स्थान मिले, उनका भविष्य अनिश्चित न हो। और साथ ही जो पिछड़े हुए बच्चे थे, जो मार्कशीट में जिनके अंक कम आ रहे थे, उन बच्चों को भी वो स्थान मिल सके जिसके वो प्रतिभागी हैं। एक बड़ी समस्या है CBSE के सामने। अब देखिए किस प्रकार से वो क्राइटेरिया बनाते हैं, क्या नीति होगी। हमारी तो शुभकामना है कि नीति वो हो जिससे बच्चे संतुष्ट रहें। शोभा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में आपने खुद ने कई जगह आपने भ्रमण किया, आपके संगठन की महिलाएं गईं, आप लोगों ने जो ज़रूरतमंद थे उनको भोजन वितरित किए, आपने उन्होंने कई उनको
मेडिकल जो सुविधाएं मिलना थी उसके बारे में आपने उनको प्रोत्साहित किया कि वो वहाँ जाएं, वहाँ पर वो चीज़ें सुलभ होगी, कई लोगों से कांटेक्ट भी किए, आपको साधुवाद वो कार्य के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जो आने वाली स्थिति है, पहले भी हम 2020 के बाद कुछ हमें 3 महीने का एक अवसर मिला, लेकिन हम इतने अपने आप में, मैं यूँ कहूँगा कि गाफिल हो गए तो गलत नहीं होगा, कि हमने ये समझा कि हम कोरोना से सचमुच मुक्त हो गए, लेकिन जो दूसरी लहर आई उसने हमारी सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी कि हम कहाँ पर खड़े। आज की स्थिति में एक बार फिर एक थोड़ा सा अंतराल, हम तो अभी यही कहेंगे अंतराल मिलेगा, क्योंकि तीसरी और चौथी लहर की बात चल रही है, तो इस अंतराल में हमने क्या क्या करना चाहिए ताकि हम अपने क्षेत्र में जो भी जनता है, गरीब कमजोर वर्ग, उसको हम उचित मेडिकल सुविधाएं और वो सारी इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन वगैरह सारे उपलब्ध करा सके, क्या प्रयास होना चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि खरगोन की पूरी जनता को ये पता हो कि कोरोना हुआ क्यों था और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। देखा जाए तो जब हम बोलते हैं कि मास्क लगाना है, लेकिन शायद 100 में से 80% लोग ये नहीं जानते कि कौन सा मास्क लगाना चाहिए और मास्क का ज़रूरी नाक पर भी होना ज़रूरी है। जब हम मास्क लगे काफ़ी लोगों को मार्केट में देखते हैं कि उनके सिर्फ माउथ तक ही रहता है मास्क, मतलब कोरोना का ज़रूरी ये होता है कि नाक और मुंह दोनों ढक के रखा जाए तो ही आप बच सकते हैं। तो इस चीज़ का जो जानकारी है, ये हम सामाजिक संगठन और साथ साथ जो भी जिम्मेदार हैं यहाँ खरगोन के लोग, उनको देनी चाहिए। तीसरी लहर आने के पहले हमारी ये प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हर कोई वैक्सीनेट हो जाए, 18 अबव जो है वो हर एक इंसान वैक्सीनेट हो जाए, प्लस उनको ये पता हो कि अभी भी भीड़भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना होगा, अभी भी प्रिकॉशंस रखने होंगे। हम ये ना मान लें कि हम कोरोना से मुक्त हो गए हैं। तो सबसे पहला तो हमें यही काम करना है कि सबको जानकारी देना है और वैक्सीनेट कराना है हर एक व्यक्ति को। और वैक्सीन जो देखा भी जा रहा है कि गाँव के लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन वो लोग लगाने के पक्ष में नहीं है, तो गाँव में जाना चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि वैक्सीन क्यों लगाया जाए, इससे आपका फ़ायदा क्या है, और उनको ये विश्वास दिला देना चाहिए कि हम लोग कोरोना से लड़ लेंगे, जबकि आप हर एक व्यक्ति वैक्सीन लगाया होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या फ़ायदा है, मास्क लगाने का क्या फ़ायदा है और कौन सा मास्क आपके लिए सही है, ये जानकारी भी देनी चाहिए। गाँव में जो भी गरीब लोग हैं, जो इस समझ नहीं पा रहे, उनको जाके समझाना चाहिए। रेणु जी, शुभा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम शिक्षा क्षेत्र एक बार फिर से खोलने जा रहे हैं तो हमको क्या क्या उसमें सुविधाएं ध्यान में रखना पड़ेगी ताकि बच्चों को सुरक्षित रूप से हम शिक्षा दे सकें, वो टीचर्स भी हमारे सुरक्षित रहें, बच्चे भी हमारे सुरक्षित रहें और परिसर भी हमारा कोरोना से मुक्त रहे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रेणु जी ने बताई कि सैनिटाइज़ किया जाए रूम्स को बार बार, बच्चों में मास्क का उपयोग करें, बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई। तो इनका उपयोग हम चाहेंगे कि जो भी शिक्षा संस्थान संचालित कर रहे हैं वो इनका ध्यान रखें। शुभा जी ने भी बताया कि कोरोना से हमको अगर बचना है तो हमको वही सारी चीज़ें अपनाना पड़ेगी, मास्क, सैनिटाइजर, भीड़ से दूर, 3 गज की दूरी, ये सारी चीज़ें हम जब तक नहीं अपनाएंगे हम नहीं समझ सकते कि हम कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि आप सभी इसका उपयोग करें ताकि हम कोरोना से सुरक्षित रह सकें, आने वाली कोई सी भी लहर हो वो हमको छू कर ना जाए। चर्चा का ये दौर ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा और हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर, क्योंकि जिला मुख्यालय पर इसको लेकर एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है और शिक्षा क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र इसका बहुत बड़ा योगदान होगा इस जन आंदोलन में। और हमारे साथ आज के जो अतिथि हैं दोनों इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम नेताजी हाजिर हो के स्पेशल एडिशन में स्वागत करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर। तकरीबन 2.5 महीने होने को आ रहे हैं, एक जनसंघर्ष समिति भी बन चुकी है जो कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर संघर्ष कर रही है और कई बड़ी संख्या में लोग इसके साथ जुड़ते भी जा रहे हैं और संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेते जा रहा है। लेकिन फिलहाल में अभी चर्चाएं चल रही है
कहीं कई स्तर पर कागजी कार्रवाई की जाना बाकी है। जनप्रतिनिधियों के रूप में खरगोन जिले के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ऊपर तक अभी बात ले जाना बाकी है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में सूचना मिल चुकी है कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। और हमारे कार्यक्रम में आज जो उपस्थित अतिथि हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, रेणु जी, ये संघर्ष समिति एक बनी है खरगोन में और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। कोरोना के बाद खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर काफ़ी जोरदार बहस छिड़ी है और सभी का एक ही मत है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए। पिछले दो मेडिकल कॉलेज किन्हीं कारणों से हमसे यहाँ से स्थानांतरित किए गए, लेकिन एक बार फिर से अवसर मिला है तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये मेडिकल कॉलेज यहाँ आता है तो क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं? मेडिकल कॉलेज खरगोन जिला में अगर आता है तो इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। आज जो नीट क्लियर करके हमारे खरगोन में, जो खरगोन ज़िले में 62 CBSE स्कूल्स हैं और जो MP बोर्ड के स्कूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और हर साल 12th क्लास के बच्चे नीट काफ़ी हमारे खरगोन ज़िले से, लगभग हर साल 10-12 बच्चे खरगोन ज़िले से नीट क्लियर करते हैं। मैम, मैं आपको रोकना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में जो नीट का कोटा है उसमें 30% बच्चे जो हैं निमाड़ क्षेत्र से ही चुने जाते हैं। जी, तो इन बच्चों के लिए अगर खरगोन जिला मुख्यालय पे हमारा मेडिकल कॉलेज आता है तो ये बच्चे जो नीट क्लियर करके जाते हैं और इनको कहीं दूसरी जगह एडमिशन लेना पड़ता है तो वो बच्चे हमारे अपने खरगोन में ले सकते हैं एडमिशन और अपने घर से मेडिकल कर सकते हैं जाके, जो कि मेडिकल कॉलेज की एक तो फीस, एक पढ़ाई काफ़ी कॉस्टली होती है, उसमें बच्चों को बाहर खरगोन से बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है, वो एक एडिशनल खर्चा हो जाता है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा किसी पेरेंट्स की नहीं भी होती अच्छी, वो कैसे भी करके अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज भेजना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे खरगोन ज़िले में अगर होता है मेडिकल कॉलेज तो ये सारे बच्चे हमारे खरगोन में ही पढ़ेंगे। और इसके अलावा 15% ऑल इंडिया सीट रिज़र्व है जो कि सभी जगह के बच्चे खरगोन में, उसमें 15% में आएंगे। तो खरगोन में जब बाहर के बच्चे आएंगे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, बाहर से लेक्चरर प्रोफेसर जो बहुत बड़े बड़े जगह से आएंगे, उनसे हमारा शिक्षा जो जगत है उसमें काफ़ी खरगोन में उससे फ़ायदा होगा। जब बच्चे बाहर से आएंगे, प्रोफेसर्स बाहर से आएंगे, उनका जो व्यू है, उनका जो आउटलुक है, उससे हमारे खरगोन वासियों को, हमारे खरगोन के बच्चों पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे, और हमारा खरगोन और ज़्यादा डेवलप करेगा जितना कि अभी कर रहा है, इससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और हम उन प्रोफेसर्स को अपने, जो हमारे नीट कैसे दिया जाता है नीट के लिए, हम उन बच्चों को गाइडलाइंस उनसे दिलवा सकते हैं, क्योंकि अभी नीट क्लियर करते हैं बच्चे खरगोन में रहकर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं है, खरगोन से बाहर ही जाते हैं बच्चे नीट के लिए। तो उन, जब हम यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स जब रहेंगे तो हम उनसे उन बच्चों को दिशा निर्देश दिलवा सकते हैं, उनको, उनके लिए शिक्षा और ज़्यादा अच्छी, कैसे नीट को अच्छे से अच्छे प्रिपेयर किया जाए। और अपने यहाँ हमारा जिला मुख्यालय जो है मोर देन 500 बेड्स का हॉस्पिटल है सरकारी, तो मेडिकल कॉलेज के लिए फैसिलिटी हमारे पास ऑलरेडी है, और जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो और ज़्यादा फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में मिलेगी, और खरगोन एक बाहर के, हमारे जो पूरे इंडिया के, बाहर के जो पूरे वर्ल्ड के मैप में भी आएगा कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है। मैं अपने दर्शकों को भी एक जानकारी देना चाहूँगा कि पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र से प्रतिवर्ष मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी के लिए तकरीबन 700 से 900 बच्चे प्रतिवर्ष इंदौर और कोटा जैसी जगहों पर जाते हैं, वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में रह करके बड़ा खर्चा करके उनके पेरेंट्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं।
आपने सही कहा रेणु जी, आर्थिक स्थिति इस क्षेत्र की कमजोर है और अगर मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र में आ जाती है तो उन गरीब परिवारों को अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाने का सपना भी पूरा हो सकेगा, क्योंकि कई प्रतिभाएं हमारे इस क्षेत्र में हैं, कई बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर्स हैं लेकिन वो हाई लेवल पर जाकर कोचिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर मेडिकल कॉलेज खुलता है तो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे, एक बड़ा क्षेत्र बढ़ेगा मेडिकल शिक्षा और मेडिकल संसाधनों का और उससे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। शुभा जी, अभी हम देख रहे हैं कि परिस्थितियां जो आ रही है, जनप्रतिनिधि जो हैं वो ये कह रहे हैं कि संघर्ष समिति जो कहेगी हम करेंगे, जबकि हम अपना मत देकर के एक जनप्रतिनिधि का चुनाव तब करते हैं जब हम उसको मानते हैं कि सर्वगुण संपन्न है, ये हमसे ज़्यादा सोच रखता है, हमसे ज़्यादा समझ रखता है और हमारे लिए संघर्ष कर सकता है। आज वो प्रतिनिधि कह रहे हैं कि जन संघर्ष समिति जो करेगी, ये जन आंदोलन जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। क्या वो आगे बढ़ के ये नहीं बता सकते कि इस ढंग से करें तो हम जल्दी से इसकी स्वीकृति ले सकते हैं? क्या सोच है आपकी? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम प्रतिनिधि तभी चुनते हैं जब हम उनको हमसे कहीं काबिल देखते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का तो ये काम है ही कि जो आज प्रॉब्लम पूरा खरगोन देख रहा है, देखा जाए तो जब हम एज अ पेरेंट अभी सोचते हैं, मेरी भी दो बेटियां हैं तो मैं अगर सोच रही हूँ कि मेडिकल कॉलेज, तो मेरे अंदर एक खुशी होती है कि हाँ अगर मेडिकल कॉलेज आ गया तो मुझे मेरी बच्चियों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, अगर मेरे बच्चों ने इंटरेस्ट बायो में लिया है तो मुझे उनके लिए बाहर नहीं जाना है। तो देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी, खरगोन को सौगात होगी। तो आज प्रतिनिधियों को यही चाहिए कि वो लोग आगे आए, हमारे साथ रहें, हम भी उनका साथ दे रहे हैं ताकि हम सब मिलके मेडिकल कॉलेज को लाने में कामयाब हों। तो जनप्रतिनिधियों से तो सभी का यही निवेदन है कि इस प्रॉब्लम को देखा जाए और खरगोन को रिप्रेजेंट किया जाए उनके ही द्वारा। जनता भी ये कर रही है और उनका भी यही काम है कि वो रिप्रेजेंट करें कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज आना ही चाहिए। शुभा जी, आपने जैसे कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो आगे आएँ और उन्हें आगे आना भी चाहिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं कि जनप्रतिनिधि जनता के पीछे खड़े हैं तो एक अजीब मजाक की स्थिति बन जाती है। तो ज़रूरी है कि वो जनप्रतिनिधि जो कि हम भोपाल और दिल्ली इसीलिए उनको भेजते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं के निदान के लिए वहाँ पर किस स्तर पर काम किया जा सके इसकी जानकारी उन्हें हो, और अगर वो जनता के पीछे खड़े होने की बात कर रहे हैं तो ये तो एक भद्दा मजाक है जनता के साथ। ये उन्होंने आगे बढ़ के बताना चाहिए कि इस प्रकार से हम ये कार्रवाई करें ताकि हमें जल्दी स्वीकृति मिल सके, या उन्होंने जाकर के जो ऊपर शासन के जो भी संबंधित विभाग हैं, मंत्री हैं, जो भी उनके नेता हैं, उन लोगों से उन्हें मिलना चाहिए और जनता की भावनाओं से अवगत कराना चाहिए। जी जी जी। दूसरा मैं सुभाष जी ये भी पूछना चाहूँगा कि जो मोमिज ग्रुप है खरगोन में, इसमें आपने बताया 700 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज आंदोलन में महिलाओं की जो संख्या है, जो उपस्थिति है, वो कुछ कम नज़र आ रही, तो आखिर ऐसा क्यों? और जो आपका ग्रुप है इस आंदोलन को, क्या वो अपना समर्थन करता है? बिल्कुल समर्थन करता है। हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसमें मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चाएं हो चुकी हैं और खरगोन मॉमीज ग्रुप पूरी तरह से इस चीज़ के लिए समर्पित है कि खरगोन मेडिकल कॉलेज के लिए जो भी करना पड़ेगा हमारी पूरी टीम रेडी है उसके लिए। बस ये है कि खरगोन मोमेंस ग्रुप में पर्सनल इंडिविजुअल हर एक महिला का नाम ऊपर नहीं आ रहा है। देखा जाए तो हर महिला फेसबुक पे नहीं है या हर महिला सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती है, लेकिन जो हम व्हाट्सएप पे जितनी हमारी एक्टिविटीज़ है उसमें हर एक महिला का हमको समर्थन मिला है कि हमें जाके बोलना चाहिए, हमें प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई यही देख रहा है कि अगर मेडिकल कॉलेज आ जाता है तो हमारे बच्चों को भी उससे फ़ायदा है, हमें हमारे बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, हम हमारे बच्चों को साथ में रख के पढ़ाई या अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो खरगोन मॉमीज ग्रुप में कई बार इस टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है और पूरी हमारी टीम इस चीज़ के साथ में है कि खरगोन मेडिकल कॉलेज के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम उसके लिए रेडी हैं। मॉमीज ग्रुप की 700 महिलाएं, और इतने संगठित आंकड़ा है, लेकिन और कई महिलाएं हैं जो इस ग्रुप से गाये बगाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रही हैं, इससे प्रेरित रही हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि संघर्ष समिति में महिलाओं की संख्या कम है, क्योंकि अभी
हाल ही में ये पता चला कि मोमिस ग्रुप भी जो है पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज की जिला मुख्यालय खरगोट पर स्थापना हो इसके पक्ष में है। डॉक्टर माफ कीजिएगा रेणु राय जी, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि फिर से स्कूलें खुल रही हैं, हम वापस उसी टॉपिक पर आते हैं क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कोरोना की स्थिति में ये भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है। स्कूलें फिर से खुल रही हैं, पेरेंट्स 2020 से लेकर के आज तक स्कूल और पेरेंट्स के बीच में फीस को लेकर, शिक्षा शुल्क को लेकर के या जो भी वहाँ की संस्थाओं ने बना रखे हैं शुल्क, वो सारों को लेकर के आपस में विवाद की स्थिति रही है। तो क्या ये स्थिति इसी प्रकार से चलती रहेगी? शासन की तरफ से जो निर्देश जारी हो रहे हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं रहते हैं, क्योंकि कारण ये है कि शासन कहती है कि छः माह में आप इसको 6 किस्तों में ये फीस जमा कर दीजिए, लेकिन एक बार फिर से कोरोना आ जाता है, इस स्थिति में पेरेंट्स भी बेबस है, संस्थाएं भी बेबस हैं। तो क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स और संस्थाओं के बीच में एक सामंजस्य फिर से बने और में सरकार को फिर से जैसे पिछले साल नियम बना दिए गए थे कि ट्यूशन फी ही उनको देना है, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल्स तो नहीं चले थे, ऑनलाइन क्लासेस ही चली थी, तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्कूल के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे बिजली बिल है हमारा, मेंटेनेंस है स्कूल में, और भी जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है हमें उन्हें भी सैलरी देना पड़ता है, और ये तो पहले सबसे पहले हमारे जो टीचर्स हैं हमें उनको देखना रहता है कि जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी थी वो हम कहाँ से ला के देंगे। और जो प्राइवेट स्कूल हैं टोटली, जिनको कोई सरकार से एड नहीं है और कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो उनके लिए तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स इस बात को समझें कि वो ट्यूशन फी केवल दें जो पिछले साल डिसाइड हुआ था। और अभी इस सेशन में तो अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई कदम उठाए ही नहीं है कि हमें क्या फीस लेना है, क्या करना है और कब से स्कूल खोलना है। तो मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा कि ये लोग हमारे स्कूल्स को निर्देश करें कि हमें फीस, क्योंकि हमें फीस के बिना तो हम काम नहीं कर पाएंगे। कितने लोग इसमें, कितने हमारे टीचर्स, कितने हमारे एम्प्लॉयज जो है अनएम्प्लॉयड हो गए हैं क्योंकि हमारे पास फीस नहीं आई है, और फीस नहीं आई है तो हम लोग टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ने, कुछ स्कूल्स 20%, कुछ लोग 50% ऐसे सैलरी देते हैं जो कि क्लास ले रही है उन्हीं टीचर्स को, बाकी को उन्होंने हटा दिया है कि आपकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो इससे एक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से सभी का अपना परिवार है, उसका पालन पोषण कैसे करें, ये स्कूल की तरफ जो है सरकार का ध्यान जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करना चाहिए कि फीस किस तरह से लिया जाए। कोरोना काल में स्कूलों की जो स्थिति रही उसके चलते फीस स्कूलों को नहीं मिल पाई, पेरेंट्स कई ऐसे गरीब परिवार रहे जो फीस भरने में अपने आप को असमर्थ रहे, इस स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति खड़ी हुई। खरगोन जिले में ही अगर हम देखें तो 500 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचिंग का काम करके, नॉन टीचिंग का काम करके अपने बच्चों को, परिवार को पाल रहे थे। फीस ना आने के कारण, बजट ना होने के कारण स्कूलों ने उनको सेवा से मुक्त कर दिया या कुछ समय के लिए उनको विश्राम दे दिया गया कि इतने महीने आपको नहीं आना जब तक स्थिति सही नहीं होती। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हुई। अगर हम प्रदेश में ये देखें तो लाखों परिवार जो हैं वो आज कोरोना के कारण स्कूल शिक्षा क्षेत्र से बेरोजगार हो गए। एक बार फिर से आज बंदी है कोरोना की दूसरी लहर जाने के बाद कि स्कूलें खुलेगी, फिर से उनके रोजगार बहाल होंगे, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि परिस्थितियाँ रोजगार बहाली की ओर बढ़ती हैं या और परेशानियों का जो स्तर है वो बढ़ता है। हम तो यही कहेंगे कि आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखें, पूरी तरह से कोरोना सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार से कोरोना की तीसरी या चौथी जो भी लहर है वो हमको प्रभावित न कर पाए, हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे, परिवार खुशहाल रहे, आप और हम खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जरूरी वही है कि हम मास्क पहनें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पूरी तरह से अपने को और अपने साथ में जो हैं उनको हम सुरक्षित रखें। आज के कार्यक्रम में बेहतर चर्चा हुई,
कोरोना को लेकर, शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, जो स्कूलें खुल रही हैं उनको लेकर, और साथ ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर भी, और क्या हो सकता है और किस प्रकार से इसको हम आगे लेकर जा सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। हमारे आज के कार्यक्रम में आए दोनों मेहमान रेणु राय जी और शुभा खोड़े जी का हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आने वाले कार्यक्रम में हम और नई शख्सियतों के साथ इन्हीं मुद्दों पर लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।